Hello everyone, I am Brijesh. In this video, we are going to start class 8th math exercise 8.3 with question 1. In this question, we have calculate the amount and compound interest on. तो यहाँ पर हमें compound interest calculate करना है and amount यहाँ पर calculate करना है. तो यहाँ पर हमारे जो interest होते हैं वो two types के होते हैं. First होता है यहाँ पर simple interest and second होता है compound interest. तो simple interest क्या होता है and compound interest क्या होता है, इसका basic को हम समझते हैं. तो यहाँ पर first simple interest SI and second compound interest. अब यहाँ पर समझते हैं एक सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. अब इसको मैं आपके लिए एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जिससे आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. तो 1000 का मान लीजिए कि 10% 1 ईयर के लिए लग रहा है. तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर हो जाएगा 10000 का 10% 100 हो जाएगा. फिर अगेन यहाँ पर सेकेंड ईयर आएगा तो सेकेंड ईयर में क्या लगेगा, अगेन 1000 का लगेगा 10%. तो यहाँ पर हो जाएगा अगेन 100 हो जाएगा. फिर यहाँ पर थर्ड ईयर में तीसरी साल में यहाँ पर क्या होगा, अगेन लगेगा 1000 पे 10%. तो यहाँ पर हो जाएगा 100. इस तरह से यहाँ पर लग रहा है. एंड जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो यहाँ पर 1000 का 10% 1 ईयर के लिए यहाँ पर लगेगा 100. देन जब सेकेंड ईयर की बात आएगी तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ये ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पर 1100 हो जाएगा, मींस 1100 हो जाएगा. ये सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल. तो यहाँ पर इस पर लगेगा 10% सेकेंड ईयर के लिए. तो यहाँ पर इसका 10% यहाँ पर हो जाएगा 1100, इसका 10% ये आएगा. एंड यहाँ पर जब थर्ड ईयर की बात आएगी तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पर 1210 ये आएगा, 1210 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1210. ये थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल. अब इस पर लगेगा 10%, इसका जो 10% आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 1210, ये इसका 10% हो जाएगा. अगेन समझिए इसको आप, यहाँ पर 1000 का 10%, 1000 का 10% यहाँ पर 100 आ रहा है. देन जब सेकेंड ईयर की बात आ रही है तो सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है एंड फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल एंड फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद सेकेंड ईयर का, वो सेकेंड ईयर का क्या बन जा रहा है, प्रिंसिपल. सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जा रहा है. देन इस पर लग रहा है 10%, वो यहाँ पर आ रहा है 110. फिर थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, वो थर्ड ईयर के लिए बन रहा है प्रिंसिपल. थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन रहा है, इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 121. इस तरह से यहाँ पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करें कि 3 ईयर्स में यहाँ पर कितना यहाँ पर इंटरेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर 300 हो रहा है. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर 133, तो 331 यहाँ पर आ रहा है 3 ईयर के लिए, यहाँ पर ये आ रहा है. एंड यहाँ पर अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट, इक्वल टू यहाँ पर होता है अमाउंट. तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पर है 1000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए 331. इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट के इक्वल आ जाएगा. तो मीन्स 1331 ये हमारा आ गया अमाउंट. अगर यहाँ पर अगर हमें प्रिंसिपल एंड अमाउंट गिवेन हो, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम इसे इस तरह से निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा सी आई, यहाँ पर सेम रहेगा एंड पी अदर साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो ए माइनस पी हो जाएगा. मीन्स अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तब हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. मीन्स ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट आया है. अगर इस अमाउंट में से हम यहाँ पर प्रिंसिपल माइनस कर दें, 1000 माइनस करें, तो
तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं इसे करके देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर समझिए आप इसको, यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, हमारा ये अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर हम करते हैं अमाउंट 1331 है, 1331 इसमें से हम 1000 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है हमारा ये प्रिंसिपल है, तो देन यहाँ पर आंसर आ रहा है 331। ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, इस तरह से ये वाला आ गया, इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस तरह से यहाँ पर ये बेसिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट वाले का ए पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है, ₹10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12.2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली मीन्स यहाँ पर 1 ईयर का हमें निकालना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें प्रिंसिपल गिविन क्या है, पी मीन्स यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर है 10,800, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर रेट कितनी है यहाँ पर आर, आर मीन्स यहाँ पर रेट होती है, तो यहाँ पर 12.2% है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 में 1 ऐड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25/2%। एंड नेक्स्ट यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम यहाँ पर दे रखा है 3 ईयर्स। अब यहाँ पर अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू यहाँ पर होता है प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर यहाँ पर टी होती है, पावर कितनी होती है टी, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का। तो यहाँ से हम अमाउंट फाइंड करेंगे, पी यहाँ पर दे रखा है 10,800 एंड 1+R यहाँ पर है 25/2 में यहाँ पर 2 है, एंड जो 100 यहाँ पर है इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस तरह से, एंड टी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 25 बन जा 25 एंड 25 फोर जा यहाँ पर हो जाएगा 100। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर 1800, नेक्स्ट यहाँ पर 1+1/8 की होल पावर थ्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 बन जा 8 हो जाएगा, एंड उसमें 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर 10,800 मल्टीप्लाई यहाँ पर है 1, 9 आएगा यहाँ पर, 8+1 9/8 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/8 × 9/8 × 9/8 इस तरह से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इस नंबर को हमें कट करना है, जब यहाँ पर हम 8 से ये नंबर कट करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1350 आएगा। अगेन यहाँ पर हम 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, और नेक्स्ट यहाँ पर ये नंबर 2 से कट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 675। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये नंबर आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर 6 7 5 × 9 × 9 × 9 एंड यहाँ पर 4 × 8। तो यहाँ पर हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 4920 75 आएगा, एंड अपॉन में यहाँ पर
फोर एट जा 32, 32 हो जाएगा। देन जब इसकी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 15377.34। ये यहाँ पर आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, इस नंबर की हम डिवाइड करेंगे 32 से, तो यहाँ पर ये आंसर आएगा। एंड हमें यहाँ पर हमारा अमाउंट निकल के आ गया, एंड हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट हमें गिविन है उसमें से जो हमने अमाउंट निकाला है, अमाउंट हमने ये निकाला है, तो यहाँ पर है 15377.34। इसमें से हमें माइनस करना है यहाँ पर जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्रिंसिपल माइनस करते हैं 10,800 है, जब इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 15377.34। नेक्स्ट यहाँ पर 10800.00, इसको हम माइनस करेंगे पर आएगा 4, एंड यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा 7 7, 13 में से 8 माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 5 और नेक्स्ट 4। तो मींस यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आया है 4577.34। ये यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है 18,421/2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसमें भी हमें एनुअली निकालना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमें गिविन है, पी यहाँ पर है 18,000, ये प्रिंसिपल यहाँ पर है। और नेक्स्ट यहाँ पर आर यहाँ पर है 10%, एंड जो टाइम यहाँ पर दे रखा है 2 1/2 years। अब यहाँ पर देखिए टाइम यहाँ पर 2 years and half years में है, तो यहाँ पर 2 years के लिए हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड जो हाफ ईयर रह जाएगा इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P1+R/100 इसकी पावर यहाँ पर टी, या फिर इसकी पावर हम टी भी कर सकते हैं, यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं। एन मीन्स क्या होगा, यहाँ पर टाइम ही होता है। तो यहाँ पर पी यहाँ पर है 18,000, 1+R यहाँ पर दे रखा है 10%, 10/100 हो जाएगा यहाँ पर, एंड टी यहाँ पर है 2 years, हम निकाल रहे हैं 2 years के लिए। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह गया 10। अब इस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, यहाँ पर आएगा 10 1 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इस 10 में यहाँ पर जो ये वाला 1 है ये ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। इट मींस यहाँ पर 18,011/10 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगी। इससे आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 18,000 और नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11/10 × 11/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 180 × 11/11। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 2,178.0, यहाँ पर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसका, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/2 मींस हाफ ईयर, हाफ ईयर के निकालना है हम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P×R×T/ में यहाँ पर क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर पी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने जो 2 years के लिए निकाला है अमाउंट वो बन जाएगा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर 2 1
7 8 0, आर यहाँ पर कितना है 10 है, एंड टी यहाँ पर है 1/2, हाफ ईयर्स की निकालना है हम, एंड अपॉन में यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2 1 7 8, अपॉन में यहाँ पर 2 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर, अब इसकी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1089, 1089 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे 2 अमाउंट आ गए, एक तो यहाँ पर ये अमाउंट है एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये अमाउंट है, तो हमें क्या निकालना है टोटल अमाउंट, हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो ये दोनों अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 2 1 7 8 0 प्लस 1089 को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, जीरो में 9 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 का 6 कैरी 1, 7 प्लस 0 7, 1 ऐड करेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर 1 एंड 1 2 हो जाएगा एंड 2, तो 22,869 यहाँ पर अमाउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, सी आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट यहाँ पर आया है 22,869 माइनस प्रिंसिपल यहाँ पर है 18,000, 18,000 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो आंसर आएगा 2 2 8 6 9, 18,009 6 8 4, तो यहाँ पर आया 4 8 6 9, यहाँ पर आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपको बी वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम सी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है ₹62,500 फॉर 1/2 ईयर्स, 8% एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें हमें निकालना है हाफ ईयरली के लिए। तो यहाँ पर जो हमें प्रिंसिपल गिविन है, पी यहाँ पर है 62,500, यहाँ पर पी है, और नेक्स्ट यहाँ पर आर यहाँ पर गिविन है 8%, यहाँ पर ये आर हो गया, और नेक्स्ट यहाँ पर टाइम यहाँ पर दे रखा है 1 1/2 ईयर्स, 1 1/2 ईयर्स यहाँ पर टाइम गिविन है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है हाफ ईयरली के लिए, तो यहाँ पर 1 ईयर जो होता है, 1 ईयर में यहाँ पर 6 प्लस 6 6 प्लस 6, हाफ में यहाँ पर 6 मंथ होते हैं एंड अगेन हाफ में यहाँ पर 6 मंथ होते हैं, तो मीन्स हाफ ईयरली के निकालना है यहाँ पर, तो 1 ईयर हो गया एंड 1 ईयर हो गया, मीन्स 2 बार हो गया, मतलब 6 मंथ यहाँ पर 1 हो गए एंड 6 मंथ यहाँ पर अगेन 1 हो गए, 1 प्लस 1 2 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो यहाँ पर रेट है इसको हमें क्या करना होगा, 2 से हमें इसकी डिवाइड करनी होगी, 2 से हमें इसकी डिवाइड करनी होगी, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4%, तो रेट यहाँ पर हो जाएगी 4%, और नेक्स्ट यहाँ पर जो ईयर्स है इसमें हमें क्या करना होगा, 2 से इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहाँ पर 3, तो टी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3/2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 1 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा, एंड इसमें हम 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा, कट जाएगा ये, तो यहाँ पर आएगा 3 3 आ गया। अब यहाँ पर जो रेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, अगर हाफ अर्ली दे रखा है तो उसको हम हाफ कर देते हैं, एंड जो यहाँ पर टाइम दे रखा होता है उसको हम क्या करते हैं डबल कर देते हैं हाफ ईयरली के लिए, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 की पावर T। अब यहाँ पर P यहाँ पर गिविन है 62,500,
2500 एंड 1 प्लस r यहाँ पर है 4/100 वहाँ पर हो जाएगा, और नेक्स्ट t यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हमने निकाला है इसको, तो यहाँ पर 4 बन जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो मीन्स यहाँ पर 1/25 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 25 हो जाएगा एंड ये वाला 1 उसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। इट मीन्स यहाँ पर 6250 26/25 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, एंड इससे आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 6250 एंड मल्टीप्लाई 2625 मल्टीप्लाई 2625 2625। अब यहाँ पर इसको हम कट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा, कट करने से यहाँ पर आएगा 2500 यहाँ पर आएगा कट करने के बाद, मींस 25 से हम डिवाइड करेंगे इस नंबर की, तो ये आंसर आएगा। फिर अगेन यहाँ पर 25 से डिवाइड करेंगे इस नंबर की, तो यहाँ पर आएगा 100 मींस 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो 25 जो यहाँ ये वाला है इसकी हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, तो यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 जब यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 70304, ये आंसर आएगा हमारा अमाउंट यहाँ पर ये निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट यहाँ पर आया है 70304 एंड प्रिंसिपल यहाँ पर है 62500, यह हमारा प्रिंसिपल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 70304 62500 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पर 4 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 8 और नेक्स्ट यहाँ पर 7, तो यहाँ पर आएगा 7804, तरह से यहाँ पर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से आपको सी वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम डी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी वाला यहाँ पर जो दे रखा है ₹8000 for 1 year एट 9% एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें भी हमें हाफ ईयरली के लिए निकालना है। तो यहाँ पर पी यहाँ पर गिविन है 8000, नेक्स्ट यहाँ पर आर यहाँ पर है 9%, नेक्स्ट यहाँ पर टी यहाँ पर है 1 year, 1 year हाफ ईयरली के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा, रेट में हमें 2 से हमें डिवाइड करनी होगी, तो यहाँ पर आर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9/2% एंड टी यहाँ पर हो जाएगा, हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 1 मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस r/100 की पावर यहाँ पर टी होती है, और नेक्स्ट यहाँ पर पी यहाँ पर है 8000, नेक्स्ट यहाँ पर 1 प्लस r यहाँ पर है 9 एंड 2 यहाँ पर 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, और नेक्स्ट यहाँ पर t यहाँ पर है 2। अब यहाँ पर 8000 यहाँ पर सेम रहेगा एंड यहाँ पर कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 प्लस 9 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 की, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, 200 की पावर यहाँ पर 2 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 8000 यहाँ पर ये है 8000 एंड यहाँ पर 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 200 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 209 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 209 एंड पावर 2 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 209 अपॉन में यहाँ पर आएगा 200 एंड अगेन 209 एंड अपॉन में यहाँ पर आएगा 200, तो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दो जीरो,
एंड इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 20 रह गया, अब हम इसे 2 से कट करते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड यहाँ पर 10 आ गया। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 10 इसलिए लिखा, यहाँ पर हमने 2 से इसलिए डिवाइड की, यहाँ पर 10 से हमें क्या करना होता है, 10 से जब हम ऊपर वाले नंबर की, इस नंबर की जो नंबर हमारे पास आया है 484 मल्टीप्लाई 209 मल्टीप्लाई 209, जब इस नंबर की हम मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आसानी से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 8 7 3 6 2 आंसर आएगा एंड अपॉन में यहाँ पर 10 हो गया। जब इसकी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 7 3 6.2। यहाँ पर 1 के बाद 10 है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो अमाउंट यहाँ पर है 8 7 3 6.2 एंड जो प्रिंसिपल यहाँ पर है 8000 है, प्रिंसिपल 8000। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 7 3 6 2, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर एंड 8000 एंड 0.02 टू आएगा, 6 आ गया 37। इट मीन्स यहाँ पर आया 7 3 6.2, तो यहाँ पर आ गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपको डी वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम ई वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ई वाला पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है, ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें भी हमें हाफ ईयरली के लिए निकालना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर गिविन है हमें 10,000 एंड यहाँ पर आर यहाँ पर है 8%, 8% यहाँ पर आर है और नेक्स्ट यहाँ पर टाइम यहाँ पर है 1 ईयर, 1 ईयर। अब यहाँ पर हाफ ईयरली के लिए हमें निकालना है तो रेट को हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 8/2, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 4 जा 8, मीन्स यहाँ पर 4% यहाँ पर रेट हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर टाइम, यहाँ पर टाइम में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करनी होती है 2 से, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 ईयर्स। अब यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास P1+R/100T, या फिर इसको हम एन भी लिख सकते हैं, एन का मीन्स भी यहाँ पर टी ही होगा। तो यहाँ पर पी यहाँ पर है 10,000 और नेक्स्ट यहाँ पर 1+R यहाँ पर है 4/100 एंड नेक्स्ट यहाँ पर टी यहाँ पर है 2। अब यहाँ पर 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 25 और नेक्स्ट यहाँ पर 10,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर 1+1/25 रह गया इस तरह से एंड 2। अब यहाँ पर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 25 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 25 हो जाएगा एंड 1 उसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26/25, 26/25 मल्टीप्लाई 26/25, यहाँ पर ये 2 बार है, पावर 2 बार है, तो यहाँ पर हम 2 बार से लिखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे 25 को इस नंबर से कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 400 यहाँ पर आएगा और नेक्स्ट यहाँ पर 25 से अगेन इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16। तो इट मीन्स यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 10816 आएगा। इतना हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI।
ए माइनस पी होता है फॉर्मूला। तो ए यहाँ पर है 10816 एंड जो प्रिंसिपल यहाँ पर गिवन है 10,000। 10,000 यहाँ पर प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 816। तो इस तरह से हम ई वाले पार्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स इजीली अंडरस्टैंड हुए होंगे।